जम्मू कश्मीर विच हाल ही विच होईयां चोणां विच जित हासिल कर चुके त्रिलोचन सिंह वजीर नूं स्टेट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा प्रधान चुन लिया गया। दस दईए कि जम्मू कश्मीर दे विच 8 जुलाई नूं गुरद्वारा चोणां होईयां सन अते उसे दिन ही देर रात नतीजों का ऐलान कर दिता गया सी, जिस विच त्रिलोचन सिंह वजीर दे धड़े ने जित प्राप्त की सी। इस बारे ज़्यादा जानकारी लई गल करदे आं साडे पत्रकार आशीष कोहली दे नाल। जी आशीष, जम्मू कश्मीर दे विच 12 सालां बाद गुरद्वारा चोणां होईयां ने, जिस दे विच त्रिलोचन सिंह वजीर दे धड़े ने जित दर्ज की है, ते हुण त्रिलोचन सिंह वजीर नूं जिहड़ा गुरद्वारा जिहड़ा प्रधान चुन लिया गया है, की कहोगे इस बारे? जी हाँ, मैं तुहानू दसना चाहगा जिस तरह 8 तरीक नूं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन होए सीगे जम्मू कश्मीर च, उहदे च 11 मैंबरां का चुनाव होना सी, जिंदे चों जिंदी सीटां ज्यादा होणगीआं मेजोरिटी तो उस गुट का गे जिहड़ा चेयरमैन होएगा उहनूं प्रैजीडेंट बनाया जाएगा। सो उसनूं लैके जिहड़े दो गुटां दे विच इलैक्शन होए सी, त्रिलोचन सिंह वजीर ते सुदर्शन सिंह वजीर दे गुटां दे विच, उहदे 6 सीटां लैके सुदर्शन सिंह वजीर का जिहड़ा गुट है उहने जीत हासिल कीती, जिहदे अज उन्होंने सहमति के नाल कमेटी का जिहड़ा चेयरमैन बनाता, जिहदे नाल वो जम्मू कश्मीर के पहले भी स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े प्रेजिडेंट रह चुके हैं, तो हुण एक बार फिर तो उन्होंने स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रेजिडेंट बना दिया गया है। जी आशीष, गुरद्वारा चोणां जिवें जम्मू कश्मीर दे विच 12 सालां बाद होईयां ने, ते हुण किहड़े कार्ज कीते जाण नूं पहल दित्ती जाएगी उन्हां दे अनुसार? जी हाँ, जिस हिसाब नाल 5 सालां बाद हर बार ये चुनाव आउंदे सी, हुण उहदे बाद 12 सालां बाद इस बारे चुनाव होए ने, ते जिहड़े मेन मुख्य तौर ते जिहड़े एजेंडा इन्हां ने मैनीफेस्टो च रखे सीगे, अगर असीं गल करते वजीर दी, ते उन्होंने सबसे पहले आख्या सी जिहड़ा गुरुद्वारा है ते काफी देर दे जिहड़े जिहड़े इलाके हैं जम्मू कश्मीर दे जिथे गुरुद्वारा जिहड़ी बड़ी बुरी हालत है, पहले उनकी देख रेख की जाएगी, जिन्हें कि रागी जथेदार हैं उनकी जिहड़ी सैलरी का जिहड़ा मामला काफी देर का हुंदा पेंडिंग डिमांड सी वो भी रखी जाएगी। नाल एक इन्होंने भी किया है कि वैबसाइट का भी बनाया जाएगा, जिहदे नाल ऑनलाइन सब लोगों को पता चल जाए कि भाई किन्ना गुरुद्वारे ते किन्ने फंड इकट्ठे होंदे ने, ते नाल उन्होंने काफी गल्लां कीतीआं जिहदे च जिहड़े नौजवान सिख नौजवान है उन्होंने दस्सिआ जा कि किस तरह स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी काम करती है, नाल कुछ औरत समेत बच्चे ने जिन्हां जिंदे लई घर बार नहीं है उनकी पढ़ाई के लिए भी इन्होंने अपने मैनीफेस्टो च साफ किया है कि असीं स्पैशल फंड रेज करांगे, जिहदे नाल जो औरत समेत बच्चे ने अनाथ बच्चे ने उन्होंने जिहड़े स्पैशल उनकी जिहड़ी पढ़ाई और उनकी देख रेख की जाए। जी बिल्कुल आशीष, हुण जेकर गल करिए असीं सिख भाईचारे दी, तां सिख भाईचारा किस तरह दीआं उम्मीदां उन्हां ने लगाईआं ने इन्हां चोणां तों बाद बदलाव दीआं? जी हाँ, सिख समाज नाल असीं पहले भी गल कीती सी जदों इलैक्शन चलदे सी, उनका यही कहना है कि असीं उस लोक उन्हां नूं वोट देंगे मैंबरां नूं जिहड़े साडे लई काम करनगे, उन जिहड़े सिख समाज दे लोग हन उनकी जिहड़ी मेन जिहड़ी नजरां जिहड़ी नवी चुनोई दी कमेटी आई थी जिहदे च 6 लोग जिहड़े सुदर्शन त्रिलोचन सिंह वजीर दे ते 5 लोग जिहड़े सुदर्शन सिंह वजीर दे, ते उन लोकां दी इहो डिमांड है कि ये दोनों गुट दे लोग जिहड़े ने इकट्ठे मिल के काम करन जिहदे नाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा उधार हो सके, और उनका उनके लिए जिहड़ा से उम्मीद है उन्होंने भी आख्या है कि असीं हुण जिहड़े इकट्ठे मिल के जिहड़ा काम करांगे ताकि जिहड़ा त्रिलोचन अंदर जिहड़ी कमेटी बनी है उन सारे दे नाल मिल के जिहड़ा है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सुधार हो सके। जी आशीष, जानकारी लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। असीं कि जम्मू कश्मीर दे विच हाल ही विच होईयां चोणां विच जित हासिल कर चुके त्रिलोचन सिंह वजीर नूं स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा प्रधान चुन लिया गया है। जम्मू कश्मीर दे विच 8 जुलाई नूं गुरद्वारा चोणां होईयां सन अते उस दिन ही इस दे नतीजों दा ऐलान कर दिता गया सी। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे वी किते वी जुड़ो, आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानूं फॉलो करो ट्विटर ते, खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।